नमस्ते। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उस पिछली क्लास में हमने एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म का टेरिडोफाइट के साथ समानता या समानताओं का अध्ययन किया था और अब अपनी जो इनके एफिनिटीज हैं वो किनके साथ दिखानी अपने को एंजियोस्पर्म के साथ। किसके साथ दिखाएंगे? एंजियोस्पर्म के साथ दिखाएंगे। विकास के क्रम को अगर हम ध्यान दें, विकास के क्रम में आता है कि जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव होते हैं और एंजियोस्पर्म एडवांस होते हैं। तो एक प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का विकास हुआ। इनमें दोनों जो प्लांट ग्रुप है, प्लांट ग्रुप में विभिन्न प्रकार की समानताएं भी पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के असमानताएं भी पाई जाती है। इनका अध्ययन हम निम्न पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो है सिमिलिटीज, समानताएं, क्या क्या इनके मध्य समानताएं पाई जाती हैं। उसमें फर्स्ट है स्पोरोफाइट्स, बीजाणु उद्भिद। दोनों जो प्लांट ग्रुप है, दोनों प्लांट ग्रुप में जो जीवन चक्र में जो मुख्य अवस्था होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु उद्भिद है जो कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। तो दोनों में, दोनों ग्रुप्स में, जड़, तना, पत्तियों में विभेदित स्पोरोफाइट्स पाया जाता है। इसी प्रकार से जो स्पोरोफाइट्स होता है वो किन किन कंडीशन में पाया जाता है, मतलब इसकी हैबिट्स क्या क्या होती हैं, इनकी हैबिट्स, आवास हैं, वो जीरोफाइटिक भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। इसी प्रकार से कुछ टेरेस्ट्रियल प्लेस में, कुछ माउंटेन प्लेस में, तो इस प्रकार से इनके आवास पाए जाते हैं। दोनों ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स का जो आवास होता है लगभग समान होता है। नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल, वीबी मींस होता है वेस्कुलर बंडल। दोनों के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो स्टेम में पाए जाते हैं, तने में मिलने वाले दोनों के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, मीन्स संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं और खुले हुए होते हैं, कंजॉइंट, कलेक्टर एंड ओपन। तो दोनों में इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल की संरचनाएं देखने को मिलती है। इसी प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ, जो स्टेम होते हैं, तना होता है, उस तने में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। दोनों के जो स्टेम होते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं एंजियोस्पर्म में वेसल्स और कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म का जो निटेलिस जो ऑर्डर है उनके जो जीनस है निटेलिस है, उसमें गिंगो बाइलोबा है, वहां पर वेसल्स और कंपेनियन सेल्स नामक संरचनाएं लगभग समान प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। इसी प्रकार से पोलिनेशन, परागण, अधिक वो जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः जो पोलिनेशन होता है विंड पोलिनेशन होता है, वायु द्वारा परागण होता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे जो फैमिलीज होती हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वहां पर विंड पोलिनेशन भी पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन होने के बाद में दोनों में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस लगभग समान सी होती है। मेल गेमेट्स होता है, वो मेल गेमेट्स जो एज हैं, एज सेल्स है, उसके साथ क्या होता है, फ्यूज होता है और जायगोट का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से साइपोनोगेमस पोलिनेशन इनमें पाया जाता है, नाल युग्म पोलिनेशन में पाया जाता है, पोलिन ट्यूब का दोनों में निर्माण होता है। मेगा स्पोरिज्म या ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है, अंडक होता है, बीजाणु ओव्यूल होता है, उन ओव्यूल का निर्माण दोनों में समान होता है। तो ओव्यूल एक प्रकार से मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही ओव्यूल्स का निर्माण होता है। सस्पेंसर सेल्स, जब जायगोट का निर्माण हो जाता है, एम्ब्रियो का निर्माण बनना स्टार्ट हो जाता है, तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में को एंडोस्पर्म में धकेलने के लिए एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। ये सस्पेंसर नामक संरचना है, ये दोनों एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में लगभग समान रूप से मिलती है। पॉलीएम्ब्रियोनिक, बहु भ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनिक, जिम्नोस्पर्म में पॉलीएम्ब्रियोनिक सामान्यता पाई जाती है,
लेकिन एनजीओ स्पर्म की बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, सिट्रस फैमिलीज हैं, वहां पर पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। सीड जर्मिनेशन जो बीजांकुरण होता है, जो सीड्स का जर्मन होता है, दो प्रकार से दोनों भी होता है, हाइपोजेली भी होता है और एपीजेल भी होता है। गेमेटोफाइटिक रिड्यूस्ड जो गेमेटोफाइट होता है जो युग्मकोवृद्ध अवस्था होती है, जो इसकी जो लाइफ साइकिल में है वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार से जो गेमेटोफाइटिक फेज होती है वो कम्प्लीटली स्पोरोफाइटिक फेज पर डिपेंड होती है, और डिपेंड होने के साथ साथ कुछ सेल तक ही लिमिट हो जाती है। इस प्रकार से ये इनमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, समानता इनमें देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो डिससिमिलरिटीज, इनमें क्या क्या असमानताएं पाई जाती है। असमानता में पहला है हैबिट्स, आवास। हैबिट्स जो पॉइंट्स हैं या उसकी जो स्वभाव है उनमें क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और ट्रीज के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो पेरिनियल भी होते हैं, साथ साथ बायनियल होते हैं, एनुअल होते हैं, ये ट्रीज भी होते हैं एंड सर्व के रूप में पाए जाते हैं, और मोस्टली जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो हर्ब्स के रूप में पाए जाते हैं, शाक के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा जो जिम्नोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म जीरोफाइटिक होते हैं, मरुद्भिदी आवास वाले होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं यह एंजियोस्पर्म एक्वेटिक भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, जीरोफाइटिक भी होते हैं और समुद्री मेसोफाइटिक कंडीशंस में भी ये पाए जाते हैं। जाइलम वेसल्स, जाइलम वाइका, जो स्टेम होता है, स्टेम जो तना होता है, तने के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें जो जाइलम होता है, वो जाइलम में वेसल्स की उपस्थिति एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स निटेलिस ऑर्डर को छोड़कर बाकी जितने भी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वहां इनमें जाइलम वेसल्स और कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, फ्लोएम में पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल स्ट्रोबिली, जिम्नोस्पर्म में एक प्रकार से यूनिसेक्सुअल स्ट्रोबिली पाई जाती है, एक लिंगी होती है, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के जो फ्लोर्स होते हैं यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। ओव्यूल बीजांड, जितने भी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होते हैं, अंडाशय एब्सेंट होता है, अतः वहां पर बनने वाले जो ओव्यूल होते हैं वो नेक्ड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में ओवरी प्रेजेंट होते हैं, ओवरी वॉल पाई जाती है, अतः यहाँ फ्लूइड्स का निर्माण होता है, अतः जो बीजांड होता है, बीज होता है, वो कवर्ड होते हैं, ओव्यूल्स कवर्ड होता है। मेल गेमेटोफाइट्स में जो प्रोथेलियल सेल्स होते हैं, ये प्रोथेलियल सेल्स जिम्नोस्पर्म में तो पाई जाती हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होती है। ओवरी अंडाशय, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, जो तीन संरचना होती है जो कि फीमेल गेमेटोफाइट्स के पार्ट होते हैं, फ्लोर्स में फीमेल गेमेटोफाइट्स के पार्ट होते हैं, ये गाइनोसियम के पार्ट होते हैं, और ये जो संरचनाएं होती हैं, ये संरचनाएं केवल और केवल किन में पाई जाएगी, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। पोलिनेशन, जिम्नोस्पर्म में केवल विंड पोलिनेशन पाया जाता है, हवा द्वारा परागण होता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं एंजियोस्पर्म में इंसेक्ट पोलिनेशन भी पाया जाता है, विंड पोलिनेशन भी पाया जाता है, साथ साथ बर्ड पोलिनेशन भी पाया जाता है, तो इस प्रकार से इनमें वेरिएशन पाया जाता है पोलिनेशन में। आर्किगोनिया, एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है और एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया कंप्लीटली एब्सेंट होती है। डबल फर्टिलाइजर एंड ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजर और ट्रिपल फ्यूजन जो ये घटनाएं हैं ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म में मिलती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलती, और जिम्नोस्पर्म नहीं मिलने के कारण से ही वहां पर जो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है वह फर्टिलाइजर के बिफोर हो जाता है, फर्टिलाइजर से पहले हो जाता है, अतः बनने वाला जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लोइड होता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म है एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजर होता है, डबल फर्टिलाइजर भी होता है, एक मेल गैमेट्स तो क्या होता है एज सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, जायगोट नहीं होता, और दूसरा जो फीमेल गैमेट्स होता है, जो मेल दूसरा मेल गैमेट्स होता है वो
सिंडिकेट सेल्स साई कोशिका कह सकते हो या सेकेंडरी एंड्रोस्पर्म डेवलपमेंट सेल्स हैं, उसके साथ वह क्या करता है, फर्टिलाइज होता है। और फर्टिलाइज होने के कारण से जो प्राइमरी जो एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं वो एक प्रकार से 2n होती है और मेल गैमेट्स n होता है, तो इस प्रकार से बनने वाला जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लोइड होता है, त्रिगुणित होता है। ये त्रिगुणित जो एंडोस्पर्म वो केवल एंजियोस्पर्म पाया जाता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो एम्ब्रियो में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एब्सेंट होता है।